तो एग्जाम्पल है कि जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्रेन का जो बूम लेंथ दिया गया है वो है 52 मीटर, बूम का जो रेडियस है वो है 18 मीटर, और वैसे ही इस क्रेन के जरिए जो लोड उठा रहे हैं उस लोड का वेट है 6 टन। अब हमें यहाँ पर ये जो क्रेन का लोड चार्ट है इसके अनुसार क्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है वो हमें देखना है। साथ ही में यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो लिफ्टिंग है ये सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले जो भी रीडिंग हमें यहाँ पर पता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि क्रेन का जो बूम लेंथ है वो है 52 मीटर, वैसे ही क्रेन का जो बूम रेडियस है वो है 18 मीटर और वेट ऑफ लोड है 6 टन। और यहाँ पर हमें क्रेन की कैपेसिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट, और ये जो लिफ्टिंग है ये सेफ है या नहीं है ये भी हमें देखना है। तो अब हम चलते हैं हमारे लोड चार्ट की तरफ। जैसा कि आप इस लोड चार्ट में देख सकते हो कि हमें जो है क्रेन का जो रेडियस है वो दिया गया है 18 मीटर, तो हम यहाँ पर 18 मीटर को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्रेन का जो बूम लेंथ दिया गया है वो है 52 मीटर, अब हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है वो है 9.1 टन। इसका मतलब ये है कि क्रेन का अगर 18 मीटर का अगर रेडियस है और वैसे ही क्रेन का अगर बूम लेंथ 52 मीटर है, तो इस बूम के रेडियस में और इस बूम के लेंथ में जो है हम 9.1 टन तक जो है लोड उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रेन के लोड चार्ट के अनुसार क्रेन की जो कैपेसिटी है वो बनती है 9.1 टन, और इसी हिसाब से अगर हमें जो दिया गया लोड है जो है 6 टन ये अगर उठाना है तो ये जो लिफ्टिंग है ये सेफ लिफ्टिंग है, ऐसा हम कह सकते हैं।